कानपुर हिंसा में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और नई नई साजिशों की बात सामने आ रही है। अब इन साजिश में पेट्रोल का जिक्र भी शुरू हो चुका है। कानपुर में जो हिंसा भड़की उसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर कांड में सबसे नया खुलासा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कानपुर हिंसा मामले में सबसे नया खुलासा ये है कि हिंसा के दौरान जपजी पड़ाव चौराहे से पेट्रोल लाया गया, हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप से बोतल में लाया गया था पेट्रोल, ये खुलासा हुआ है। बोतल में पेट्रोल देने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है। डीएम के आदेश पर डिप्टी पड़ाव चौराहे वाला पेट्रोल पंप भी सीज हो चुका है। इसके साथ ही आपको बताएं कि बोतल में पेट्रोल वाले पंप संचालकों पर कार्रवाई के आदेश भी हैं। तो कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान पेट्रोल वाली साजिश का खुलासा हो चुका है। आपको बताएं कि पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कानपुर हिंसा मामले में। सीसीटीवी के आधार पर पेट्रोल पंप को सीज भी किया जा चुका है। ये देखिए आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। हिंसा के दौरान जमकर चले थे पेट्रोल पंप और अब इसको लेकर नया खुलासा हुआ है। डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को भी सीज किया जा चुका है और आपको बताएं कि डिप्टी पड़ाव पर जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, वहां से ये पेट्रोल बोतल में भरकर लाया गया, इसका खुलासा किया गया है। इसके बाद कार्रवाई हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग थे इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। हिंसा के दौरान जमकर पेट्रोल पंप चले थे, इसके बाद से जानकारी जुटाई जा रही थी कि आखिर ये पेट्रोल पंप कहां से आए, कहां से पेट्रोल लाया गया। अब जानकारी मिल रही है कि डिप्टी पड़ाव पर जो पेट्रोल पंप है वहां से ये पेट्रोल बोतल में भर के लाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप की सीसीटीवी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और अब इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है कि आखिर इसके पीछे किसका दिमाग था, साजिश किसकी थी, कौन कौन इसमें लिप्त है और इन तमाम चीजों की अब पड़ताल की जा रही है। और इससे पहले कार्रवाई ये हुई है कि पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। सीसीटीवी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन ये बड़ा खुलासा कानपुर हिंसा मामले में, कानपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं कि पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल भर कर लाया गया, जिस पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया हिंसा वाले दिन, उसके पीछे आखिर क्या साजिश रही, अब इसकी पड़ताल हो रही है। और चलिए इस मामले में आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। कानपुर हिंसा कांड में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। अहम जानकारी यह है कि 3 जून को दो पक्षों में हिंसक भिड़ंत हो गई थी। ये पूरा मामला क्या है ये अब आप समझ लीजिए। दुकान बंद कराने को लेकर बवाल हुआ था पहले, इसके बाद पुलिस ने कुल 29 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी जफर है जो कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 3 साथी भी उसके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा जो अहम जानकारी है, कानपुर जिला कारागार में सभी को रखा गया है, अलग अलग सेल में सभी को रखा गया है, जफर और उसके साथियों को। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए 4 एसआईटी टीमों का गठन कर दिया है। अब ये एसआईटी टीमें क्या क्या काम करेंगी ये भी आपको बता देते हैं। जो पहली एसआईटी की टीम है पूरे घटना की जांच करने वाली है, जो दूसरी एसआईटी की टीम होगी वीडियो फुटेज को खंगालेगी, उपद्रवियों को पहचानेगी। इसके अलावा जो तीसरी एसआईटी की टीम है वो पेट्रोल पंप से बोतल में तेल देने का जो मामला है उसकी पड़ताल करने वाली है। जो चौथी एसआईटी की टीम है वो इंटरनेट मीडिया पर अकाउंट को खंगालेगी कि किस तरीके से इसको पास किया गया, कैसे सर्कुलेट किया गया मैसेज को, इन तमाम चीजों की वो पड़ताल करने वाली है। कानपुर हिंसा पर सूत्रों के हवाले से अब आपको बड़ी खबर दे देते हैं। हिंसा की तारीख जानबूझकर 3 जून को तय की गई थी, सूत्र ये बताते हैं। राष्ट्रपति, पीएम और सीएम के होने की वजह से 3 जून तारीख तय की गई। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। हयाज जफर हाशमी ने पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है। 3 जून को जुम्मे की नमाज होने की वजह से साजिश के लिए दिन को तय किया गया। देखिए मकसद बहुत बुरा था, ये बहुत बड़ी साजिश। जफर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि क्यों 3 तारीख तय की गई, जुम्मे की नमाज की वजह से 3 तारीख तय की गई और ये बात खुद जफर ने बताई है जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। हिंसे की
साजिश कैसे रची गई कानपुर हिंसा पर सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि जानबूझकर 3 जून की तारीख तय की गई। राष्ट्रपति पीएम और सीएम के होने की वजह से 3 जून तय की गई तारीख। और इसके अलावा हयात जफर हाशमी ने यह खुलासा पूछताछ के दौरान की है। तो ये सब कुछ सोच समझ के बहुत ही साजिश के तहत किया गया। हयात जफर हाशमी के बयान से आप समझ सकते हैं पूछताछ के दौरान ये खुलासा उसने किया है। 3 जून को जुम्मे की नमाज थी और इसी वजह से इस दिन को तय किया गया। बवाल बड़ा हो सके, नुकसान ज्यादा हो सके, इस मकसद से 3 तारीख को तय किया गया। वहीं मायावती ने कानपुर हिंसा पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। ट्वीट देखिए मायावती का। उन्होंने लिखा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड या निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानून के तहत जेल भेजना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि कानपुर में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। मायावती ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा। साथ ही इस हिंसा के विरुद्ध हो रही पुलिस कार्रवाई में निर्दोष लोगों को परेशान किया जाए। बीएसपी की ये भी मांग है कि परेशान ना किया जाए उन तमाम लोगों को जो कि बेकसूर हैं और जो कसूरवार हैं उन्हें ना बख्शा जाए। और चलिए इस बीच आपको कानपुर कांड पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी और अहम अपडेट दे दें। एटीएस ने बवाल वाले इलाके में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंसा के पीएफआई कनेक्शन पर एटीएस की जांच जारी है लगातार। जफर हयात हाशमी के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है और एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं इस बात की जानकारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एटीएस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, कई अहम सुराग हैं एटीएस के हाथ पे। और बताया जा रहा है कि जफर हयात हाशमी के घर के आसपास के लोगों से एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। कल ही हमने आपको बताया था कि पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आया, लेकिन एटीएस की टीम ने पीएफआई कनेक्शन पर भी जांच शुरू कर दी है। जांच जारी है कानपुर कांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।